नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 18 जून का दिन दो लोगों के लिए खुशियां लेकर आया। 17 जून की देर रात भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता जगत प्रकाश नड्डा उर्फ जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उनको लड्डू वड्डू खिला दिए गए। दूसरा ऐलान ज्यादा अप्रत्याशित था क्योंकि जेपी नड्डा का नाम तो चल ही रहा था। ये नाम था 17वीं लोकसभा के स्पीकर के लिए बीजेपी के कैंडिडेट कोटा के सांसद ओम बिड़ला का। ओम बिड़ला का स्पीकर बनना लगभग तय है। बीजेपी के पास बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा है और कांग्रेस ने भी आज मीटिंग में यह तय किया है कि वो ओम बिड़ला के नाम का समर्थन करेंगे। आज बारी बारी से आपको जेपी नड्डा और ओम बिड़ला के बारे में बताएंगे। पहले बिड़ला के बारे में, क्योंकि वो सरप्राइजिंग नाम है। ये नरेंद्र मोदी की सियासत का एक अनोखा अंदाज है जिसमें वो आखिरी तक पत्ते अपने सीने के करीब रखते हैं और इसीलिए पर्यवेक्षक चौंकते हैं। ये बात अब घिस सी गई है। इसीलिए स्पीकर के नाम को लेकर जो अटकलें चली उन सब के बीच लोगों को भरोसा था कि कोई नया नाम ही आएगा। नाम किसके चले? राधा मोहन सिंह का चला, रमापति राम त्रिपाठी, एस एस अहलूवालिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का। फिर मनेका गांधी का नाम आया। लोग कहने लगे कि उन्हें स्पीकर तो सिर्फ इसलिए बना दिया जाएगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हें यस मैम कहते रहे। ये अपनी तरह का बदला होता, लेकिन इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड से सियासत नहीं चलती। इसलिए 17वीं लोकसभा के लिए स्पीकर बनना तय है कोटा से दूसरी बार के सांसद ओम बिड़ला का। कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं, इनके पूरा होते ही बिड़ला 19 जून को स्पीकर के पद की शपथ ले लेंगे, ये लगभग तय है। स्पीकर अमूमन वरिष्ठ सांसदों को बनाया जाता है। पिछली स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, भाजपा की नेता, 8 बार की इंदौर से सांसद। उनसे पहले मीरा कुमार 5 बार सांसदी जीती थी, सासाराम से थी, मंत्री भी रही थी। ऐसा ही सोमनाथ चटर्जी के साथ भी था, लेकिन ओम बिड़ला ने तो सिर्फ दूसरी बार सांसदी जीती है। तो क्या उनका बतौर स्पीकर चयन इकलौता अपवाद कहा जा सकता है? जवाब है नहीं। टीडीपी के नेता थे गांति मोहन चंद्र बाल योगी, उन्हें भी 2 बार के लोकसभा का सांसद होने के बाद स्पीकर बना दिया गया था। 1998 में वो 12वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए। 2002 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बालयोगी का देहांत हुआ, तब उनकी जगह पहली बार सांसद बने शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने ली थी। हालांकि जोशी लोकसभा में नए थे, लेकिन महाराष्ट्र में वो शिवसेना भाजपा युति की पहली सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो ओम बिड़ला का स्पीकर बनना उतना बड़ा अचरज नहीं है जितना बताया जा रहा है। इस बात पर आखिर में लौटेंगे कि अचरज क्यों नहीं है, पर पहले ये तो जान लीजिए कि ओम बिड़ला है कौन। किस्सा शुरू होता है एक वोट से। ना अटल बिहारी का जिक्र करूंगा ना सीपी जोशी का, जिक्र तो बिड़ला का होगा। उनका चुनाव अब औपचारिकता है क्योंकि 302 वोट तो उन्हें मिलने तय हैं भाजपा के ही, एनडीए के घटक दल अलग से। लेकिन एक वक्त था जब बिड़ला को चुनाव जीतने के लिए महज 1 वोट की जरूरत थी और वो उन्हें नहीं मिला। बात है साल 84 की। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले बिड़ला अपने स्कूल में स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे थे। कॉलेज पहुंचे तो छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय पर्चा भर दिया। सामना हुआ अपने सीनियर करण सिंह राठौर से। बिड़ला ये चुनाव करण सिंह से हार गए 1 वोट से, लेकिन उन्होंने हार से रार ठान ली और नेपथ्य में जाने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा नई नई पार्टी थी, हालांकि जनसंघ के लोग जुड़े थे, उसके युवा मोर्चा से जुड़ गए, सहकारी समितियों में एक्टिव हो गए, चुनाव लड़ने लगे। इस दौरान बिड़ला पर नजर पड़ी भाजपा के कद्दावर नेता ललित किशोर चतुर्वेदी की। चतुर्वेदी जो शेखावत की सरकार में कई दफा मंत्री रहे, उन्होंने बिड़ला को आगे बढ़ाया। लेकिन जब बिड़ला ने कोटा से जयपुर का रास्ता तय कर लिया तो वो चतुर्वेदी का दामन छोड़कर भैरव सिंह शेखावत बाबूसा उनके खेमे में आ गए, उनकी नजर में आ गए। बाबूसा ने इस वफादारी का इनाम भी दिया। चतुर्वेदी का साथ छूटा और शेखावत ने बिड़ला को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, किसी भी युवा नेता के लिए भाजपा में सबसे बड़ा पद प्रदेश में। फिर उनका सियासी करियर चल निकला। वो 6 साल तक भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और फिर विधायकी का नंबर भी आया। विधायकी से सांसदी और अब लोकसभा अध्यक्ष। कई लोगों ने पूछा ओम बिड़ला का चुनाव क्यों। 2 वजह हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी कैसे दूसरी पांत के नेता तैयार कर रहे हैं, प्रदेश से फ्रेश चेहरे उठा रहे हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं और उनका सियासी कद बढ़ा रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी के खराब दिन आए, सियासत में किसी के भी आ सकते हैं, तो यही दूसरी पांत उनके पीछे मजबूती से खड़ी हो, ये इरादा है।
कई लोगों ने कहा कि मोदी के बुरे दिन नहीं आएंगे, मोदी उनको ही आगे बढ़ाते हैं जो आगे चलकर उनके लिए संभावित खतरा ना बन पाए। बात ये भी कही गई कि राजस्थान से दो अहम जिम्मेदारियां दी गई, स्पीकर ओम बिड़ला को बना दिया गया और जो 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, हर घर में जल पहुंचाने की योजना, उसके लिए जल शक्ति मंत्री बनाया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। जल की बातें और सब समाज की बातें चलती रहेंगी। आपने ओम बिड़ला की कहानी सुन ली, जेपी नड्डा की कहानी सबके सामने है। विद्यार्थी परिषद से करियर शुरू किया, पहले विधायक रहे, मंत्री रहे, फिर केंद्र में आ गए, नरेंद्र मोदी की निगाह में चढ़ गए। और यूपी तो सुपर लकी साबित होता है भाजपा के महासचिवों के लिए। अमित शाह भाजपा महासचिव, यूपी जिताया तो 2014 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और अब जेपी नड्डा यूपी के प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं और इसीलिए मोदी सरकार की नई कैबिनेट में उनका नाम नहीं था। 2020 की जनवरी तक उनका कार्यकाल रहेगा, उसके बाद नए सिरे से संगठन के चुनाव होंगे। कई लोगों ने कहा नड्डा का दोबारा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। तय नड्डा का 2017 में हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना भी था जब धूमल चुनाव हार गए थे, लेकिन एंड मौके पर कुछ वीटो लगे और जयराम ठाकुर का नाम आ गया, नड्डा को संतोष करना पड़ा। दूसरा नाम कांग्रेस के लोकसभा में नेता का, और ये नाम है अधीर रंजन चौधरी, बहरामपुर से सांसद। 1999 में पहली बार सोनिया गांधी लोकसभा पहुंची थी और अधीर रंजन चौधरी भी। राहुल गांधी के दौर में वो लोकसभा के नेता बनाए गए हैं, राजीव गांधी के दौर में पार्टी में आए थे। ममता बनर्जी अधीर रंजन से बहुत चिढ़ती हैं, कांग्रेस को अधीर के नाम पर इसलिए टिकना पड़ा क्योंकि बाकी नामों के साथ या तो विवाद जुड़ा था या उनके पास लोकसभा का अनुभव नहीं था। फाइटर किस्म की इमेज है अधीर रंजन चौधरी की और उनकी लॉटरी लगी क्योंकि पिछली दफ़ा जो लोकसभा के नेता थे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस बार गुलबर्गा से चुनाव हार गए। चुनाव कांग्रेस हारी है बुरी तरह, 52 लोकसभा सांसद हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिलेगा। अब जिसको पद मिलेंगे नहीं मिलेंगे लल्लन टॉप शो में आपको बताते रहेंगे। आज के शो में इतना ही, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभरात्रि।